यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए कभी अपने आप को ब्लेम मत करना। मैं तुझे रोक रही थी क्योंकि मेरे मन में खटका सा हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, और हुआ भी। पर अब उस गलत को ठीक करना है, उस चोर को पकड़ना है जिसकी वजह से हाथी बाजार वाले पापा को कुछ भी सुना गया। मेरा भेजा हुआ वीडियो देखा था मैंने, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, एक एक शब्द सुनना चाहती हूँ कि क्या बोला हाथी बाजार के लोगों ने पापा को। हमारे घर आकर हाथी बाजार के छोटे बड़े दुकानदार पापा पर उंगली उठाते रहे और मैं कुछ ना कर पाई। अवतार अंकल, चुन्नी अंकल पापा के खिलाफ तो कुछ ना कहे, पर पापा के बचाव में भी कुछ ना कहे। मम्मी, चाचा, चाची कोई कुछ ना कह पाए। बोला तो बस वो कमीना जगत, उसने पापा की तरफ से बोल बोल के पापा को कैसे दल दल में ढकेल दिया। जगत, हाथी बाजार वाले, पुलिस अपने घेर लिया था पापा को, जैसे वो गीदड़ शेर को अकेला पाके घेर लेता है। शेर अकेला पड़ गया था सुशीला, सबने ताने मार मार के उसको घायल कर दिया था। पापा की हालत देखी ना जा रही थी मुझसे, एक घायल शेर की तरह तब तक लड़ते रहे जब तक लड़ पाए, उसके बाद नजरें झुका ली। नजरें उठाएंगे बहन, और हाथी बाजार के आंखों में आंखें डाल के शान से देखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले देखा करते थे। अब बातों से नहीं, लातों से बात होगी। हम पहले तोड़ेंगे, फिर फोड़ेंगे, फिर और फोड़ेंगे। पापा की इज्जत के लिए अपना सपना छोड़ के आई हूँ बहन, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अपने सपने को भी और पापा की इज्जत को भी। और वो जगत, उसने पापा पर उंगली उठाई, उस उंगली को तोड़ के उसके जेब में डाल देना है। उसकी तो परेड निकालेंगे हाथी बाजार की गलियों से, ताकि देखने वाले भी बोले कि चाहे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना, लेकिन धर्मपाल की छोरियों से पंगा ना लेना। जब तक हमारा ये टारगेट अचीव नहीं हो जाता है, तब तक सब तो दुनिया के सामने नहीं आएगा, लेकिन जगत का चेहरा सबके सामने आएगा। वो चेहरा जिसकी एक गाल पे मेरी 5 उंगलियां होंगी और दूसरे गाल पे तेरी। किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। पुत्तू, हाँ? फिर से ट्राई कर गुन्नू सत्तू का फोन। अरे भाई साहब, अब तक तो फोन के बटन भी घिस लिए होंगे दबा दबा के, और सत्तू ने ना किसी नदी में फेंक दिया होगा फोन अब तक। आप ना मान लो भाई साहब कि आपका दामाद ना भाग गया, मतलब हमारा दामाद ना भाग गया 1.5 लाख रुपए लेके। मेरे मन से तो ऐसा श्राप निकल रहा है ना भाई साहब कि हमारे पैसे की चाय भी पिएगा ना वो, तो उसकी जीभ जल जाएगी। उआ उआ करता ना भागता फिरेगा यहाँ वहाँ। वैसे एक बात बोलूं भाई साहब, देखो पहले सॉरी बोल रही हूँ मैं, ये जो तड़प थी ना आपकी, बेटा बेटा करते थकते नहीं थे आप, उसी की वजह से आज हम यहाँ है। अरे जैसे भी है, हमारी छोरियां कम से कम चोर तो ना है। हा? सर झुक गया मेरा इन चोरों की वजह से, और तने भी मुंह खोल के बोलने का मौका दिया इन्होंने। पता नहीं आप कभी हाथी बाजार में सर उठा के चल भी पाऊंगा या नहीं। एक काटेलाल की खुद की नाक कट गई आज तो, मेरे रहते। भाई साहब आप परेशान ना हो, मैं बीच जाऊंगा जाके उनके पैरों में, माफी मांग लूंगा हाथी बाजार वालों से। अब ऐसी विपदा में और कर भी क्या सकते हैं। कुसुम जी, अब आप ही कुछ बोल दीजिए, बस आप ही बची हो। मैं तो बस भूल जाना चाहती हूँ इस रात की बात को। हाँ,
तो पापा जी सब लोग बोल लिए, अब बचे सिर्फ हम दोनों, और हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो आप प्लीज वो धर्मपाल काटेलाल रुहेल बनकर मत सुनना, हमारे पापा जी बनकर सुनना, और प्लीज ये ना छोरिया छोरिया बोल के हमें चुप मत करा देना। तो बोलो बोलो बोल करीमा। हाँ बोल। गुड मॉर्निंग पापा। ना पापा, हमने बचपन से ना आप में बस एक छोरियों का बाप देखा था, मतलब छोरियों का बाप, अपनी छोरियों के लिए हमेशा डरा हुआ बाप, अपनी छोरियों को हमेशा डरा के रखने वाला बाप। पर पिछले कुछ दिनों में ना हमने आपने एक दूसरा बाप देखा, छोरों का बाप, गुन्नू और सत्तू का बाप, जिसने अपने छोरों को पलकों पे बिठाया, विश्वास दिखाया, प्यार दिया, सम्मान दिया, जिम्मेदारी दी और आजादी भी दी। पापा बहुत सही लग रहा था वो बाप। फिर एक वीडियो आया, सत्तू के भागने वाला वीडियो, और फिर वो जो बाप था ना जिसकी हम बात कर रहे थे, छोरो वाला बाप, वो ना फुस हो गया एकदम अचानक से। फुस क्या करे? नहीं नहीं पापा जी, वो सुशीला का तरीका गलत है, मानती हूँ मैं, बात वो सही कह रही है। आप खुद बने थे ना गुन्नू सत्तू के बाप, आपने खुद डिक्लेयर किया था कि आज से मैं अनाथ बच्चों का बाप हूँ। फिर कुछ ही घंटों के अंदर अंदर आपने वो विश्वास, प्यार, सम्मान सब कुछ खींच लिया। वो तो अब भी आपके बेटे हैं ना, और शायद आप उनके बाप ना रहे। क्या कह रही हो तुम दोनों, बदतमीजी किए जा रही हो भाई साहब से? हम यहाँ सोच रहे हैं कि हाथी बाजार वालों से माफी कैसे मांगे हैं, उनको कैसे शांत करें, और तुम दोनों? ना चाचा जी, बात सिंपल सी है, जो पैसे चुराए आपने वो रिटर्न कर दो ना मार्केट वालों को, शांत हो जाएंगे वो और हमारी इज्जत भी वापस आ जाएगी। स्क्रू ढीला हो गया तेरा, मन्ना चोर कह रही है। चाचा जी कहाँ है मेंटेनेंस के पैसे, दे दो ना और जान बचा लो अपनी। क्या कर रही है चोरी, चोरी से ना? जब चोरी की ना है चाचा जी, तो चोरों की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो आप? और जब चोर ना हो तो हाथी बाजार के लोगों के सामने बिछड़ने की बातें क्यों कर रहे हो? माफी किस चीज की मांगनी है आपको? ना पापा जी, बचपन से सुनती आ रही हूँ मैं इस घर में प्रतिष्ठा, गुरूर, सम्मान, चोरी छाती मर्दों की, तो आज क्यों ना निकल रहे हो मर्द वाले शब्द? छोरी अपने चाचा से सवाल जवाब करेगी के? नहीं पापा, हम आज अपने पापा जी से सवाल करेंगे। हम जानते हैं आपको सवाल पूछती हुई छोरियां अच्छी नहीं लगती, घर के मर्यादा के खिलाफ है, पर फिर भी ये सवाल बहुत जरूरी है पापा। आपका सर झुका हुआ क्यों है? हमने चोरी थोड़ी ना की है, हमारे घर में चोरी हुई है, तो हमारे सर क्यों झुके होने चाहिए पापा? और वो हाथी बाजार के लोग जिन्हें हमारे अगेंस्ट नहीं हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, पर वो नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हमें मुंह छुपा के घर पे ना बैठना है पापा जी, हमें बाहर निकल कर उनका सामना करना है। हाँ पापा जी, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन काटेलाल एंड सन्स तो खुलेगा, और चलेगा भी। पापा आज हमारी दुकान में हेयर कटिंग होनी बहुत जरूरी है, पुत्र चलाएगा दुकान, और पूरा रुहेल खानदान उसके साथ खड़ा होगा। न तू मेरी इस हालत में नुमाइश लगाना चाहती है हाथी बाजार में, न तू ये चाहती है कि लोग मने वापिस से लाचार और अपाहिज बोले, अपने पैसों की डिमांड करें।
चाय बोलो। चाय, काटेलाल एंड सन्स के ग्राहकों के लिए चाय। अरे फ्री, एकदम फ्री है अदरक वाली चाय। नमन ने पता है, बड़ी दूर दूर से कस्टमर आते हैं काटेलाल एंड सन्स में। कोई गुन्नू सत्तू की बड़ी फैन फॉलोइंग है, कोई सवेरे सवेरे लंबी लाइन लग जाती है। भाई ओमपाल सतवीर को आपके नाश्ते पानी के लिए तो लगाया, दे भाई दे। अरे जब तक एक एक पाई ना चुकाऊंगा ना, मैंने शकल ना देखनी उनकी। ना पापा जी, रुहेल खानदान सिर्फ आप ना हो, हम भी हैं। और आज हम जाएंगे पुत्तू के साथ। पुत्तू दुकान खोलेगा और हमारे अगेंस्ट जो भी आवाज उठाएगा ना, उसका मुंह बंद करने का जिम्मा मेरा। बस पापा, आज आप हमें रोकना मत, प्लीज। अरे शिशु, ताली मारियो जरा। तो मेरे हाथ पे प्लास्टर चढ़ा है ना। मतलब भाई साहब, क्या भाषण दिया चोरियों ने। नहीं, मेरे मुंह से बोल नहीं फूटा, मतलब मैं देखती रह गई एकदम। हाँ, बात तो बहुत बढ़िया बोली तूने, लेकिन ज्यादा पैसे होने पे जैसे चोरी होने का डर लगा रहता है, वैसे ज्यादा इज्जत मिलने पर भी ये फिक्र बनी रहती है कि इज्जत हमेशा बनी रहे। और आज रोहेल खानदान की इज्जत भरे बाजार में उतरता देख मैं डर गया, मैं झुक गया, पर अब ना डरूंगा। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, रोहेल खानदान के मर्द इतने कमजोर ना हुए कि उन्हें छोरियों की जरूरत पड़े। ने दुकान तो आज खोलेगी और पुत्तू अकेला खोलेगा। और तुम दोनों को हाथी बाजार में पैर धरने की जरूरत ना है। ना भाई साहब, फिर ना एम्बुलेंस से बुलवा ही लो। मतलब आपका और गुन्नू सत्तू का गुस्सा विचार मेरे पुत्तू पे उतार दिया तो खानदान का एक ही तो चिराग है भाई साहब। अरे ज्यादा रोना धोना ना मचा चंचल, वो चुन्नी और अवतार है ना इसकी देखभाल के लिए। भाई साहब, मैं भी जाऊंगा हाथी बाजार। ना 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 पापा जी, ताऊ जी मैं जाऊंगा ना दुकान खोलने, अकेला खोलूंगा ताऊ जी। वैसे भी आई एम ऑल्सो रॉयल। यही उम्मीद थी तुझसे। जा खोल अपनी दुकान। You heard the man, so be a man. Man to man, open the shop. अरे भाइयों, आप लोगों के लिए ना एक बड़ी बुरी खबर है। वो गन्नू सत्तू थे ना, अरे वो अपने मालिक का 1.5 लाख रुपया लेकर भाग गए। तो भाई आज तो यो काटेलाल एंड सन्स का घूंघट ना खुलने वाला। ना कौन रोकेगा हमें? यार धर्मपाल तो कह रहा था कि पुत्तू की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, पर यहाँ तो गुन्नू भी आ रखा है। हाँ भाई, ना गुन्नू तो ठीक है, पर सत्तू की तय। देखो देखो भाई लोग, देखो चोरी और सीना चोरी, चोर का भाई आया है। हमें ना पता था कि हरियाणा में पानी की कमी हो गई है, लोगों की आंखों का पानी मर गया है।
भाई धर्मपाल को धोखा दिया इसके भाई ने, तुम सबके पैसे लेकर फरार हो गया इसका भाई, और इसे देखो कैसे छाती चौड़ी करके आ रहा है। सही कह रहा है जगत सेठ, अगर हमने चोरी की होती तो हम भागे भागे फिरते, हमने चोरी ना की है इसलिए मैं दुकान खोलने आ गया। पर सिर्फ तू क्यों आया है, सत्तू क्यों नहीं आया? आप लोगों के डर से, ये जो आप लोगों की मॉब मेंटालिटी है ना, बिना जांच पड़ताल किए बिना सच जाने बस हाथ में पत्थर उठा लेते हो, भेड़ बकरियों की तरह किसी ने जिधर हाका उधर निकल लेते हो, तो मेरा भाई डर गया। अब कुत्तू को ही देख लो, शॉप का ओनर है फिर भी कुछ ना बोल पाया, मेरा भाई तो फिर भी नौकर है। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थाने चल के थोड़ी गुफ्तगू करते। मैंने क्या किया है, मैं क्यों जाऊंगा थाने? सारी बातें यही कर लेगा के, थाने चलते हैं चाय पीते पीते बात करेंगे, तने आज बताते हैं कि तने किया क्या है। अरे इंस्पेक्टर साहब, उस इलेक्ट्रिशियन को पकड़ो ना, मुझ गरीब के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। अब तो पुलिस को ये भी सिखाएगा कि कार्रवाई कैसे करनी है, पूछताछ हो गई है उस इलेक्ट्रिशियन की और उसके घर की तलाशी भी हो गई है, कुछ ना मिला। एक बात यो है कि तेरा भाई गायब है, या तो अपने भाई का पता बता या चल थाने। नहीं तुम भी क्या जल्दी मचा रहे हो इंस्पेक्टर साहब। कर रही है हाँ? पापा ने मना किया था ना? ना तेरे पापा ने कभी किसी चीज के लिए हाँ भी करी है? और ज्यादा क्या कर लेंगे, दो डंडे इस हाथ पे, दो डंडे इस हाथ पे मार लेंगे, और वो भी कम ना हुआ तो मुर्गा बना देंगे। देख बहन, तूने कहा था ना आज कि आज पूरे के पूरे रोहेल खानदान को यहाँ खड़ा होना चाहिए, और पुत्तू तो पाव किलो भी रोहेल ना है, तो बस सुशीला को तेरा संकट मोचन बन के आना पड़ गया। अरे ना के खिचड़ी पका रहे हो दोनों आपस में, अब अपने स्टाफ से बात करने के लिए भी तेरे से रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो भी पूछताछ करनी है गुन्नू से यहीं पर कर लीजिए ना, जो बात थाने की टेबल कुर्सी पर बैठ के हो सकती है वो यहाँ पे भी तो हो सकती है ना, आने जाने का टाइम भी बच जाएगा सर जी। ना चोरी क्या तो कति ठीक ही रही है। हाँ भाई, कानून का टाइम भी बचा रही है। सही कह रहे हो भाई, मैं इससे पूछूंगा और ये ऊंट की तरिया गर्दन हिलाकर सब मान लेगा कि चोरी इसके भाई ने की है, इस गुन्नू की ना, इस डंडे से स्पेशल सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके सच उगलेगा ये। ठीक कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब, कानून के मामले में ना चोरियों को ज्यादा दखलअंदाजी ना करनी चाहिए। नहीं, इसमें भी जेंडर घुसा दो आप। अंकल जी, यहाँ ना बात इंसाफ की चल रही है, जस्टिस की, और इतना तो हम सबने हिंदी फिल्में देख के सीखा ही है, चाहे 100 चोर भले ही छूट जाए पर किसी एक बेकसूर को ना सजानी होनी चाहिए। वाह बहन, तू तो आज लॉजिक पे खेल रही है। ना मैंने जॉगिंग सूट जरूर पहने पर काटे लाल पे आने के लिए, अगर मेरे नियत में खोट होती तो मैं दुकान खोलने क्यों आता, बताइए आप लोग। यस इंस्पेक्टर सर, यस, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, ये चोरी नहीं कर सकते, गुड बॉय। ना ये चोरी के आते ही ये टिड्डी भी कामा पहलवान हो रहा है। ना किसकी बात भी यकीन करोगे तुम लोग, एक चोरी और एक बालक की बात का या पुलिस वाले का? अरे वो सत्तू तो पहले ही फरार है, और कल को ये भी बोरिया बिस्तरा लपेट के भाग गया तो किसको पकड़ोगे?
तो उसके लिए इंस्पेक्टर साहब है ना, इतने इंटेलिजेंट और डैसिंग, वो अपना काम कर लेंगे। तो एक काम करो, तुम लोग ना 5,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करा दो और एक गारंटर दे दो। 5,000 रुपया? पांच हजार रुपए किस बात के लिए? जिस बात की गारंटी के लिए कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर कल को तू गायब हो गया तो तुझे ढूंढने के लिए जो पेट्रोल खर्च होगा उसी के लिए पैसे ले रहा हूं। या तो पैसे दे दे, चल थाने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.